YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड किस तरह किया जाता है, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। पुराने वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन गाइस अब YouTube पर चेंजिंग हो चुकी है, पुराने वीडियोस के जो ट्रिक हैं वो आप वर्क नहीं करेंगे। तो YouTube की अब सेटिंग्स चेंज हो चुकी हैं, तो किस तरह आप जो है अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने अपने चैनल को गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है, और यहाँ पर उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके माई चैनल में आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप माई चैनल पर आते हैं, और यहाँ पर माई चैनल पर आने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, और यहाँ पर आपने क्या करना है कि YT स्टूडियो ओपन करना है। जैसा ही YT स्टूडियो पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा डायरेक्टली आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर साइड में देख सकते हैं आप, ये सभी ऑप्शन हैं, जिस तरह देख सकते हैं ये डैशबोर्ड मोनेटाइजेशन वगैरह के ऊपर करना है। और यहाँ लास्ट में लेफ्ट साइड आपको एक सेटिंग का आइकन मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो गाइज आपके सामने इस तरह से ये यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा, एक नया पेज ओपन होगा, उसके बाद ये इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जनरल का ऑप्शन है, और यहाँ पर गाइज नीचे आपने चैनल पर क्लिक करना है, देख सकते हैं चैनल, चैनल पर हमने क्लिक किया और अब हमारे सामने ये और पेज यहाँ पर खुल कर आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और आपने अब एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, देख सकते हैं इसको ऊपर स्क्रॉल करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके मोबाइल में ये जो सब्सक्राइबर्स काउंट है ये ऑन होगा, ये बॉक्स टिक लगा हुआ होगा, बस आपने इसको ऑफ करना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे राइट साइड में सेव का बटन होगा, सेव कर देना है, ठीक है। तो बस सेव के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं हाइड हो जाएंगे। याद रहे, हाइड होने को अगर आपका बड़ा चैनल है तो लगभग एक दो दिन के बाद शो होंगे, यानी 24 या 48 घंटे के बाद जो है आप चेक करें दूसरे मोबाइल में से सब्सक्राइबर्स हाइड हो चुके होंगे। अगर आप सोचते हैं कि तुरंत ये बटन ऑन करते ही, तो वैसा नहीं होगा, अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अपडेट होने के बाद आप चेक करें तो जिस मोबाइल में दूसरे में आप देखेंगे तो ये सब्सक्राइबर्स हाइड हो चुके होंगे। तो गाइस और कुछ अपनी जानकारी लेनी हो तो कमेंट करें, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।